हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज मैं कोई भी बाहर आने जाने वाला वीडियो नहीं बना रही हूँ, कहीं कोई मॉल एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ, कहीं कोई मार्केट एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ, बल्कि आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपनी बेटी के लिए मंगाई है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सर्दियाँ जा चुकी हैं और गर्मी आ चुकी है, तो सारे ब्लैंकेट क्विल्ट वगैरह सब पैक कर दिए गए हैं और अब कुछ ही दिनों में हम लोग एसी चलाने लगेंगे। तो जब एसी चलाने लगेंगे तो एसी अब सर्दी से एकदम से हम लोग गर्मी में आते हैं तो बहुत एसी चलाने के बाद एकदम से हमारा जो बॉडी है वो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता है और सर्दी जुकाम होने लगता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैंने अपनी बेबी के लिए मंगाया है ये एसी कंफर्टर। एक्चुअली क्या है, हम लोग तो कंफर्टर यूज़ करते हैं लेकिन वो मेरा कंफर्टर शायद पसंद नहीं करती है, वो उसे फेंक देती है, उसे वो अच्छा नहीं लगता है, वो हमारे संग उसमें कंफर्टेबल नहीं होती और वो उससे बाहर निकल जाती है। तो हमारी जो एक काशू की बुआ हैं उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि किड्स के कंफर्टर्स अलग आते हैं, अगर तुम उनके लिए वो कंफर्टर्स लाओगे उसमें बहुत अच्छे कार्टून प्रिंट्स होते हैं तो वो शायद उसको यूज़ करें। तो मैंने मंगाया तो नहीं उन्होंने, बल्कि मुझे खुद ही इसे गिफ्ट कर दिया, उन्होंने मुझे ये कंफर्टर ख़रीद कर दिया है काशू के लिए। और मैंने इसको ऑनलाइन चेक किया है फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको ये 899 रुपीज़ में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट है, मैं इसको आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये है मेरा कंफर्टर। बच्चों के लिए जब हम लोग कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं तो हमें दो चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना होता है। एक तो उसकी सॉफ्टनेस, वो बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, कुछ भी रैश होगा कुछ भी कड़क होगा तो उनकी स्किन को हार्म कर सकता है। और दूसरा उसके कलर्स, अगर कलर्स वाइब्रेंट होते हैं, मेरा कंफर्टर शायद बहुत बोरिंग और डल कलर का है इसीलिए मेरी बेटी पसंद नहीं करती उसे, अगर कलर्स वाइब्रेंट होते हैं, यूनिक होते हैं और ऐसे चमकदार होते हैं तो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इसका तो प्रिंट भी बहुत सुंदर है, कलर्स के साथ साथ एनिमल्स बने हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कंफर्टर ज़रूर बच्चों का है लेकिन ये छोटा नहीं है, ये एक सिंगल बेड कंफर्टर है। जो एक सिंगल बेड पे अगर आप सो रहे हैं, आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है 8, 9, 10, 11, 12 साल का भी है तो वो इस कंफर्टर को यूज़ कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा छोटा हो और वही कंफर्टर को यूज़ कर सकता हो। इट्स अ फुल सिंगल बेड का कंफर्टर जिसको आपका टीनेज बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है, उसे भी पसंद आएगा। तो अगर आपको भी यही प्रॉब्लम है कि एसी चलने वाले हैं और आपको अपने बच्चों के लिए कंफर्टर देखने हैं तो फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छे अच्छे कंफर्टर्स आए हैं। ये कंफर्टर ऑफलाइन है, आप ऑफलाइन भी जाकर देख सकते हैं, शॉप्स पर भी जाकर देख सकते हैं। सॉफ्टनेस को ज़रूर चेक कीजिएगा कि वो सॉफ्ट हैं या नहीं, और दूसरी चीज़ एक चेक करिएगा कि वो मशीन वॉशेबल है या नहीं, क्योंकि ऐसे कंफर्टर्स गंदे बहुत जल्दी होते हैं और अगर वो मशीन वॉशेबल नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है उनको देखने में। तो दो चीज़ें चेक कर लीजिएगा कि वो वॉशेबल है या नहीं है और सॉफ्ट है या नहीं है, और आपकी प्रॉब्लम वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आप भी जाइए फटाक से ऐसे ही कंफर्टर्स लेकर आइए क्योंकि सरगर्मियाँ आ गई हैं, एसी चलने वाले हैं तो आपके बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने इनको ये कंफर्टर उड़ा दिया है और इस कंफर्टर को उड़ने के बाद ये एसी में कितनी चैन की नींद सो रही हैं बिल्कुल आराम से। मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है, और फिर सबसे बड़ी बात ये ओढ़ के सो रही हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसा कंफर्टर लेकर आइए, आई होप आपको ये पसंद आया हो। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।